आगे बाहुबली का बाप, पठान भरेगा पानी, बरसाती पटाखा बन जाएगा KGF। ऐसी फिल्म आ रही है जो तोड़ देगी सारे रिकॉर्ड, 1000 करोड़ की करेगी कमाई। VFX ऐसा कि फेल हो जाएगा हॉलीवुड, धाकड़ हीरो मारेगा एंट्री। इंडिया में ऐसी फिल्म राजा मौली भी नहीं बना पाए। प्रभास हो जाएंगे पुरानी बात, शाहरुख सलमान आमिर सब लग जाएंगे किनारे, बॉलीवुड में मच जाएगा तहलका। 1000 करोड़ से भी बड़ी कमाई को पार करेगा ये फिल्म। ऐसा पोस्टर आया जिसने बाहुबली बनाने वाले राजा मौली के भी होश उड़ाया। KGF और पुष्पा की चमक इस फिल्म के आगे बेकार है। बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा का नया इतिहास लिखने को बेताब है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, एक ऐसे फिल्म की कहानी जो बाहुबली की कहानी पर भारी पड़ेगी। पठान की कमाई भी उसके आगे फीकी नजर आएगी। आज उस फिल्म की कमाई के आगे 1000 करोड़ भी कुछ भी नहीं। वो फिल्म चाहे तो 1500 करोड़ रुपए भी कमाएगी। उस फिल्म में प्रभास नहीं होंगे, SS राजा मौली भी डायरेक्ट नहीं किया है, और स्वयं प्रोड्यूसर कोई जाना माना हस्ती भी नहीं है। फिल्म में उस फिल्म को ऐसा तैयार किया गया है कि हॉलीवुड की टॉम क्रूज से लेकर दूसरे एक्टर और एक्ट्रेस भी उस फिल्म के दीवाने हो गए हैं। अभी तो सिर्फ फिल्म का पोस्टर आया है, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक तहलका मच गया। ये फिल्म 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 भाषाओं में रिलीज होगी और पूरे बॉलीवुड पर अकेले भारी पड़ने वाली है। अब हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है और OTT राइट्स अभी से 100 करोड़ में बिक गए हैं। इतना ही नहीं, 350 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने 500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म को लेकर कितने क्रेज लोगों के बीच में है। अब तो आप फिल्म का नाम भी जानने के लिए उतावले हो रहे होंगे, तो चलिए बताते हैं। फिल्म का नाम है कंगवा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म कंगवा की। इसका टीजर सामने आ चुका है जिसको देखकर सबका सिस्टम मिल गया है। वहीं इस फिल्म की बात करें तो इसमें साउथ सुपरस्टार सूर्या के साथ साथ बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल, दिशा पाटनी भी मेन कैरेक्टर में होंगी। वहीं रिलीज हुए फिल्म के टीजर में सूर्या को एक खतरनाक योद्धा के रूप में दिखाया गया है। वो एक योद्धा के लिए सेना को लीड करते हुए नजर आते हैं। टीजर में उनके लंबे बाल और उनका लुक एक सैनिक की तरह है। टीजर में एक अंधेरी रात का बैकग्राउंड, युद्ध में मारे गए कई लोगों के शव और एक बार घोड़ा, एक नकाबपोश योद्धा और उसके बाद एक बड़ी सेना दिखाई देती है। कंगवा के टीजर और सूर्या के लुक को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। टीजर देखने के बाद फैंस इस फिल्म के विलन को लेकर एक्साइटेड है। फिल्म में लीड रोल हीरोइन का खुलासा पहले ही हो चुका है। इसने विलन का किरदार निभाने वाले एक्टर को लेकर फैंस के बीच हलचल मची हुई है। लेकिन एक तेलुगु न्यूज पोर्टल ने इस बारे में खुलासा कर दिया है कि फिल्म में बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल की एंट्री हो सकती है विलन के रूप में। बॉबी की फिल्म में मौजूदगी इसे पैन इंडिया बनने में मदद करेगी। बॉबी देओल की फैन फॉलोइंग फैंस के बीच कहीं ज्यादा हो गई है, खास तौर पर वेब सीरीज आश्रम में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। अगर कंगवा के रिलीज की बात करें तो एक पैन इंडिया फिल्म है जो तमिल के अलावा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी समेत 10 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। फिल्म में लीड एक्ट्रेस दिशा पाटनी भी है। इसे 3D में भी रिलीज किया जाएगा। वही मेकर्स ने कंगवा की रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया है। टीजर में मेकर ने बताया कि अगले साल 2024 की शुरुआत में रिलीज किया जाएगा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि सूर्या और दिशा पाटनी स्टार ये फिल्म अप्रैल 2024 को रिलीज होगी। आते फिल्म गर्दा मचाने वाली है और गदर उड़ाने वाली है। आपको भी इस फिल्म का इंतजार है? क्या आप भी सूर्या के फैन हैं? तो कमेंट करके सूर्या की अब तक की देखी गई सारी फिल्मों के बारे में जानकारी जरूर दें।